भाई सुमन शर्मा ने जो काम किए नहीं बगैर विधायक होते हुए, ये भाई सुमन शर्मा वही है जो हाँसी में लगभग 190 मकानों के ऊपर जेसीबी चले थे, सबसे पहले बोला था कि पहले मेरे ऊपर जेसीबी चलाओ उसके बाद, और वो आज मकान बन के तैयार होने लग रहे हैं। जो भाई सुमन शर्मा ने जितना भी त्याग किया है सबके लिए, 26 बरादरी के लिए, इसे इसे ऊपर कोई नहीं कर सकता। इसकी वजह से कांग्रेस जीती है, पिछली सब दफा 87 पर्ची आई थी। अच्छा, कांग्रेस का वो था ना वो जो बगाने खड़े वाला, 87 पर्ची थी, 83 पर्ची थी। अब की बार कांग्रेस की कितनी पर्ची है? 2000 पर्ची है कांग्रेस के कारण आई, सर्विस की वजह से आई है। विधानसभा की टिकट खुद मांगने लग रहे हैं कि एक तरफा रहेगा हमारा गाँव में, एक तरफा। अच्छा, वैसे तो कांग्रेस हाईकमान मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय बांधी, राहुल जी, खड़गे जी मेरे नेता है। टिकट का फैसला करना उनका काम है, लेकिन जनता में जाना मेरा काम है, उनको पार्टी के से अवगत कराना और बीजेपी की पार्टी के बारे में बताना कि इससे बचो, क्योंकि ये ना किसान की है ना जवान की है, ये किसी की भी नहीं है, ना किसान की, ना जवान की, ना विज्ञान की, किसी की नहीं है। ये तो सिर्फ मैनेजमेंट की सरकार है, मंदिर बनाओ और राम जी की झूठी घंटी बजाओ। लेकिन अब के बार तो बेचारे राम जी भी नाराज हो गए, इनका अयोध्या चला। आप सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। जैसा आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर को जो है हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे, उन्हीं चुनाव के मद्देनज़र जो है अलग अलग पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो लोगों के बीच जा रहे हैं और अपना अपना अपनी अपनी पार्टियों का जो है प्रचार लगातार किए जा रहे हैं। अगर हाँसी हल्के की बात करूं तो यहाँ 44 जो लोग हैं वो कांग्रेस की टिकट के चाहवान हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा चाहवान है कि जो लगातार लोगों के बीच में जाके लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये जरूर कहता है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और जो कांग्रेस जो पार्टी है वो उनके एक पक्के सिपाही हैं और पुराने सिपाही हैं। आज सुमन शर्मा जो है वो पहुंचे हैं गांव चैनत में। ये वही चौपाल है जिसमें कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनाव थे उस वक्त जयप्रकाश जेपी का भी यहाँ आगमन हुआ था, उसी जोश के साथ जो ग्रामीणों ने आज सुमन शर्मा का यहाँ पर स्वागत किया, लगातार जो है फूल मालाओं के साथ और फूल बरसाते हुए इस गांव में जो है स्वागत हुआ है। बड़ा एक लंबा जो काफिला लेके सुमन शर्मा यहाँ पहुँचे, अभी जो है वो ग्रामीणों से वार्तालाप कर रहे हैं, बात करेंगे सुमन शर्मा से और लोगों से भी पूछेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव का जो माहौल था वैसा ही जो चैनत का माहौल विधानसभा चुनाव में बना रह सकता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सुमन शर्मा पहुंच चुके हैं और ये वही चौपाल है जिस चौपाल में सुमन जी 2-1 महीने पहले जो है जेपी पहुंचे थे, बड़ा एक जो जोश लोगों में था, लोकसभा चुनाव जीत गए इस गाँव में पहुँच के, आज आप भी पहुँच गए हो विधानसभा चुनाव, क्या तैयारियाँ मान रहे हैं? तैयारियाँ तो आपके सामने है भाई जी, जैसे जयप्रकाश जी का सम्मान किया था उतना ही मेरा सम्मान किया इन भाइयों ने, क्योंकि ये चैनत गांव जो है ये मेरा पारिवारिक गांव है, जहाँ मेरा पूरा प्रेम प्यार भाईचारा इस गांव से, मेरा भाईचारा तो सारे 36 बिरादरी का पूरे हल्के में है, लेकिन इस गांव से ही मेरा विशेष लगाव है। ये तो आपके साथ हर एक गांव में होता है, छोटी डाणी में चले जाएं आप तो कहते हैं इसमें मेरा बड़ा लगाव है। आपके सामने ये प्रेम आपके सामने दिख रहा है, आपको सारा प्यार आपके सामने खड़ा है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था कि हमारा पहले डेयरी बिजनेस रहा है, तो सभी भाई किसान, ये किसान है, हम भी आनंद सारा है, हम इनके काम देखियो पेरी बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे? घर घर पुराना है, 15-20 साल है पुराना, मैसा काम भी करो थी घर घर, बच्चा बच्चा जानता है, जो सारे जाना है, जब बड़े तो नाम लेके दूर तो बता दे, बूढ़ा आदमी बता दे, बड़े ने नाम बता दे, एक 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 हां जी, चीज की जानकार है पिताजी, हम छोटे छोटे थे 10-10, 12-12 साल के, 5-5, 7-7 साल के, हमारे पिताजी साथ में भैंस खरीदा करते, बहुत प्रेम था ये पिताजी का, हम सुबह छोटे छोटे थे, पिता इसको बाद में जाने पिताजी ज्यादा जानते हैं, तो हमारे बहुत प्रिय नेता हमारे बहुत गांव में आते हैं, ये हमारे भाई है, इसकी वजह से कांग्रेस हमारे गांव में कदम जीती, इसकी वजह से कांग्रेस जीती है, पिछली सब दफा 87 पर्ची आई थी। अच्छा, कांग्रेस का वो था ना वो जो बगाने खड़े वाला, सिर्फ 87 पर्ची थी, 83 पर्ची थी, अब की बार कांग्रेस की कितनी पर्ची है? 2000 पर्ची है कांग्रेस के कारण आई, सर्विस की वजह से आई है। विधानसभा की टिकट खुद मांगने लग रहे हैं कि एक तरफा रहेगा हमारा गांव में, एक तरफा। अच्छा, हाँ पूरी 90% नहीं, असल 100% पोलिंग होगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं, इन्हीं के पक्ष में हो जाएगी, बिल्कुल कोई शक नहीं है, यानी कि आप तो इनके जो इनके पिताजी तक जानते हो, सारे बच्चों तक जानते हो, सारे सब पूरा गांव जानता, मैंने किसी से पूछ लिया आप ये बात। अच्छा, किसी से सारे जानते हैं। भाई सुमन शर्मा ने जो काम किए नहीं बगैर विधायक होते हुए, ये भाई सुमन शर्मा वही है जो हाँसी में लगभग 190 मकानों के ऊपर जेसीबी चले थे, सबसे पहले बोला था कि पहले मेरे ऊपर जेसीबी चलाओ उसके बाद, और वो आज मकान बन के तैयार होने लग रहे हैं। जो भाई सुमन शर्मा ने जितना भी त्याग किया है सबके लिए, 26 बरादरी के लिए, इसे इसे ऊपर कोई नहीं कर सकता। यानी कि वो जो अपनी अपनी जाति वाली, मेरी जाति का हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है,
36 बरादरी के साथ भाई साहब लेके चलते हैं, अनदान आदमी भी इनके ऑफिस में चला गया, मेरा ये काम है वो काम भी पूरा करके साथ चल के करते हैं। यानी कि ये बात तो वो होगी जब चेयरमैन थे उस टाइम की बात बता रहे हो, उसके उस टाइम भी उससे पहले भी, ये तो कोई अनदान आदमी चला गया उसके साथ भी चल भाई मैं ये काम करूंगा। और अब की बार भाई साहब को टिकट मिल गई तो हम एक तरफा इलेक्शन कर देंगे, एक तरफा इलेक्शन कर दो, यानी कि चेयरमैन मतलब एक शहर शहर का भला कर लिया, पूरे हल्के की बारी आ गई। हाँ हाँ पूरे नहीं, पहले भी हल्के की हल्के का भला कर रहा है भाई साहब, बिना भी चेयरमैन थे, एक शहर शहर के चेयरमैन थे, बगैर विधायक होते हुए भी, विधायक नहीं थे तब भी चेयरमैन थे तब भी, इन्होंने जो भी काम किया है, जैसे कोई भी अनजान आदमी चला गया अपना सर्वजाति, कोई भी आदमी चलेगा सर्वजाति का काम किया है जी। एक और भाई साहब खड़े, भाई साहब ये इन्हीं बातों के हिसाब से जो आज इनका जो स्वागत हुआ नहीं तो मंत्री वाला फूल बरसा रहे थे और इनको तो नाड़ भी कौन दिक्कत थी, इतने फूल माला मंत्री से कम नहीं है, मंत्री से कम नहीं है, ये आठ बार जिला परिषद बने हैं, दो बार चेयरमैन बने हैं, हम इसके रात को भी जाते हैं तो हमारी इज्जत से बोलते हैं, बताते हैं, चाय पानी की सब पूछते हैं। वैसे सुनी सुनी बात का गई भी हो रात नहीं, मैं जाता हूँ जब मैं, हाँ अच्छा, पुरानी सब्जी मंडी में इसका मकान है, अच्छा जी हाँ जी, गेट खुले मिले खुला, तो अब जब मान लो विधायक अगर मान लो मौका मिल भी गए, विधायक बन भी गए और फिर कदम बदल जाए कोई पावर जो सर पर चढ़ के बोल जाए, अगर बदल जाए तो नहीं, आठ साल ये आठ बार वो बने जिला परिषद, तो जिला परिषद नहीं बनते, अच्छा दो बार चेयरमैन नहीं बनते, यानी कि पार्षद रह लिए चेयरमैन रह लिए, अब विधायक का बनेगा, विधायक बनेगा पक्का 100% हाँ, कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट मिल गई हम 100% भाई सुमन शर्मा को विधायक बनाएंगे, और हमारे सुमन शर्मा पे हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है जो ये काम कर देंगे कोई नहीं कर सकता, और नारियल फोड़ने से काम नहीं चलता, जो काम कह करके दिखाना, कहना और करना बड़ा अंतर होता है भाई साहब, करके दिखाते हैं। ने तो कहा 40,000 वोटों से बिहाना को हराएंगे, हम कह रहे हैं 50,000 से हराएंगे, लो जी ये देखो 10,000 और बढ़ा दी, भाज क्या बहना तो अच्छा लूटा मारी की जगह 80,000 रुपये की जगह बेचा है, एक बार बने 2.5 लाख फिर बने 2.5 लाख, मारे बुढ़ापा पर 2,500 में परेशान है, मैं सरसम ले गया, सरसम नहीं बिकी, उल्टी दरवाजे में बोले कड़े गेड़, फिर ये सरसम बिकवा देंगे क्या तारी, ये नहीं करवा देंगे, उड्डा साहब ने बहुत करे हैं, देखो जी सुमन जी आपसे ज्यादा जो है आपके बारे में तो ये लोग जानते हैं, माही जी मैंने कहा है ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, इनको मेरे से काम की बात नहीं है, ये मेरे से मेरे घर आए, मैं इनके घर आऊँ, ये मेरा सम्मान करते हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैंने आपको बोला वैसे तो पूरा हल्का, लेकिन चैनत गांव से मेरा विशेष लगाव है, मेरा विशेष प्रेम है, ये भी मेरे से करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं तो इनको एक विश्वास देने आया हूँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका आशीर्वाद रहा और इनका प्रेम प्यार रहा और मैं विधायक बना, तो मैं इनको ये बताऊंगा कि हाँसी हल्के के विधायक के मायने क्या होते हैं, विधायक कैसा होना चाहिए, भाईचारे का होना चाहिए, जो गांव का भाईचारा बना के रखे, कोई पार्टीबाजी ना करे, एक पक्ष को मजबूत करे एक पक्ष को कमजोर करे, नहीं गाँव का भाईचारा बनाए, गाँव का विकास कराए, स्कूल का काम देखे, बच्चों के एजुकेशन का काम देखे, उनकी नौकरी का काम देखे, गाँव खेत में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पीने का पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहरों में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सभी बातों को ध्यान में रखने वाला विधायक होना चाहिए, जिससे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये महसूस करेंगे कि सुमन शर्मा विधायक नहीं है, तुम्हारे बीच में रहने वाला आम आदमी है, जैसे ये आम है वैसे मैं आम हूँ, ये नहीं है विधायक बन गया तो कोई भगवान बन गया, जैसे ये आज मेरा मान और सम्मान कर रहे हैं, मेरे लिए 2 घंटे 3 घंटे से खड़े हैं, ऐसे ही जब मैं विधायक बन गया भगवान ने मौका दिया कभी आवाज़ लगाएंगे तो इनकी चौपाल में इनके चौक में इनके मोहल्ले में खड़ा पाऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ जी। अब जो है लगभग एक हफ्ते के अंदर जो टिकट का एक डिक्लेयर हो जाएगी, टिकट किसको मिल रही है, लोग चंडीगढ़ के दिल्ली के बड़े गेड़े मार रहे हो, आप पब्लिक के बीच में जा रहे हो, देखो वैसे तो कांग्रेस हाईकमान मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयवान जी, राहुल जी, खड़गे जी मेरे नेता है, टिकट का फैसला करना उनका काम है, लेकिन जनता में जाना मेरा काम है, उनको पार्टी के से अवगत कराना और बीजेपी की पार्टी के बारे में बताना कि इससे बचो जी। क्योंकि ये ना किसान की है ना जवान की है, ये किसी की भी नहीं है, ना किसान की ना जवान की ना विज्ञान की, किसी की नहीं है, ये तो सिर्फ मैनेजमेंट की सरकार है, मंदिर बनाओ और राम जी की झूठी घंटी बजाओ, लेकिन अब के बाद तो बेचारे राम जी भी नाराज हो गए, इनको अयोध्या से हरा दिया उनसे राम जी नाराज हो गए, लेकिन आपसे जो जनता जो खुश है, कितने कितने आप आश्वस्त हो कि टिकट आपको मिल रही है? मैं 100% आश्वस्त हूँ मेरे नेताओं पर, क्योंकि उसका एक कारण है, मैंने आपको बार बार बताया है, जनता को पता है कि सुमन शर्मा एक आम तो आदमी है, कांग्रेस पार्टी से शुरू से जुड़ा हुआ है, कभी कांग्रेस पार्टी से धोखा नहीं किया, अपने नेता से कभी धोखा नहीं किया, अपने नेता ने जो लकीर खींची है उसको बड़ा करने का काम किया, छोटा कभी करने का काम किया, लेकिन आज मैं यही कहता हूं कि मेरे नेता मेरे पे विश्वास व्यक्त करेंगे, क्योंकि उनको पता है सच्चा सिपाही है, और जनता का प्रेम सबसे ज़्यादा, जनता का प्रेम भी चाहिए ना, मैं टिकट तो वहाँ मांगने चला जाऊँ, यहाँ जनता मेरे को चाहे ना तो उस टिकट का क्या करूँगा, अपनी जेब में डाल के घूमता रहूँगा,
टिकट का लेने का मजा भी जब है जब सारा भाईचारा मेरे साथ हो, नेता का आशीर्वाद मेरे साथ हो। अब मैं पुनः आपके चैनल से कहता हूँ, नेताओं का आशीर्वाद और भाइयों का आशीर्वाद रहा तो विनोद बयाना को 40,000 से पटकने दूंगा जी। तो चलो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लाइन को आप बड़ा कर रहे हैं और ये आपकी लाइन को जो है बड़ा कर रहे हैं। इनकी जो दुआएं हैं, इनकी जो उम्मीदें हैं, भगवान से हम भी दुआ करेंगे कि आपकी जो एक टिकट रूपी जो एक आस है वो जल्दी ही पूरी हो। सुमन शर्मा हमारे साथ जुड़े थे और जैसा यहाँ के चैनल गाँव के लोगों ने कहा कि जो उम्मीद है वो सुमन शर्मा से सबसे ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन ये चीज़ जरूर देखने वाली होगी कि हांसी हल्के में जितनी उम्मीदें सुमन शर्मा पर टिकी हुई हैं वो इन उम्मीदों को पूरा करने का कार्य कैसे करेंगे। वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।